आज का मेरा जो टॉपिक है वो त्राटक को लेके है। अब हम डिटेल स्टडी किया करेंगे ताकि मैं डिटेल से आपको समझा पाऊँ, अच्छे तरीके से आपको शिक्षा दे पाऊँ, बता पाऊँ। त्राटक जो है, त्राटक किसी भी चीज को जब हम एक तक देखते हैं, किसी भी चीज को, क्या है कि हमारा माइंड जो है वो थमने लगता है ऐसा करने से। यानी कि जो हमारी आंख है, अगर उसको कहीं पे रोक दिया जाए तो हमारा जो माइंड है वो रुकने लगता है। ये त्राटक का उद्देश्य है, कंसंट्रेशन पावर देना। दो उद्देश्य हैं त्राटक के। नंबर एक, कंसंट्रेशन पावर देना, एकाग्रता जिसको बोलते हैं, एकाग्रता। और नंबर दो, शुद्ध मन। दो चीजें त्राटक आपको देता है। नंबर एक, एकाग्रता देता है, कंसंट्रेशन। नंबर दो, देता है शुद्ध मन। दोनों ही ध्यान के अगले पड़ाव में जाने के लिए बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आप ध्यान के अंदर जा ही नहीं सकोगे, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से जो प्रत्याहार से अगली जो सीढ़ी है वो कंसंट्रेशन है। इसको धारणा भी कहते हैं, किसी भी एक चीज को अपने माइंड के अंदर धारण करना। तो जब प्रत्याहार होगा तो एकाग्रता, एकाग्रता जब आएगी तो ध्यान अपने आप घटित हो जाएगा। और यहाँ पे जो शुद्ध मन है, ये वाला पार्ट, इसका क्या रोल है? शुद्ध मन होगा क्योंकि ना कई बार ध्यान भी जो है वो भी मन को भटका देता है। तीन गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पे कई बार ये बढ़ जाता है, रजोगुण बढ़ गया या तमोगुण बढ़ गया, तो जो कंसंट्रेशन पावर है वो बड़ा परेशानी पैदा कर देती है। इसलिए शुद्ध माइंड करना वो बेहद जरूरी है। इसलिए यहाँ पे त्राटक जो हमें देता है, शुद्ध मन और एकाग्रता, ये दोनों बेहद जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। और शुद्ध मन ही एक सफलता से संबंधित है। शुद्ध मन जो है सफलता से भी संबंधित है। सफलता अगर चाहिए तो शुद्ध मन हमें चाहिए ही चाहिए। बिना शुद्ध मन के सफलता ली ही नहीं जा सकती। तो इसको अगर मैं हटा दूं और ये कर लिया, उसके बाद जो त्राटक जो है वो दो प्रकार का होता है। आप किसी भी चीज़ को गेजिंग कर रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, वो त्राटक है। और आमतौर पे बोला जाता है कि बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए, भ्रांति है कि बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। नेट पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो ये बताएंगे कि बिंदु त्राटक से शुरू करना चाहिए या इस त्राटक से शुरू करना चाहिए, उससे शुरू करना चाहिए। सीधे ज्योति त्राटक से, जो ग्रीन संहिता में दिया हुआ है, वो सीधे ज्योति त्राटक से आप शुरू कर सकते हैं। बिंदु से भी कई लोग चाहते हैं शुरू करना, बिंदु से कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन संहिता के हिसाब से सीधा ज्योति त्राटक से शुरू कर सकते हैं। और जो मेन उद्देश्य होता है, जो मैं बता रहा था आपको कि त्राटक दो प्रकार का होता है, ये इसको मैं हटा रहा हूँ, प्रत्याहार वाली बात कंप्लीट हो गई है। त्राटक जो है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, त्राटक, त्राटक दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, पहला इंटरनल, तभी मैंने इंग्लिश में लिखा आंतरिक, और दूसरा, सॉरी, पहला एक्सटर्नल, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल है।
पहला पहला एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल है। पहला एक्सटर्नल यानी कि बाह्य त्राटक, दूसरा इंटरनल जो कि आंतरिक त्राटक। जो बाह्य त्राटक है, जो गेजिंग है, मान लो अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, या आप मेरी तरफ देख रहे हो, गेजिंग है, बाह्य त्राटक है। ऐसे हम अगर जो मोमबत्ती या दिए की जो लो होती है इस तरीके की, उसको अगर हम देखना शुरू करते हैं, ठीक है, उसको हमने देखना शुरू किया तो उसकी तरफ हम देखते रहे, काफ़ी देर तक देखते रहे, जितनी देर हो सकता है उतनी देर देखते रहे। वैसे रूल ये होता है कि एक मिनट हम देखें और पाँच मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। जब हम पाँच मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं तो ये इंटरनल त्राटक यानी कि आंतरिक त्राटक शुरू हो जाता है, पाँच मिनट के लिए जब आंखें बंद करते हैं। जब हम उसे आंखें खोल के देख रहे होते हैं तो वो एक्सटर्नल त्राटक है। हमारा उद्देश्य, क्योंकि हमने काम करना है एकाग्रता पे और शुद्ध मन पे, हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरनल त्राटक डेवलप किया जाए। क्योंकि इंटरनल त्राटक में क्या होता है कि आपको जो उसका रिजल्ट है वो तुरंत मिलने लगता है। उसी वक्त आपको पता लगता है कि मुझे जो है रिजल्ट मिल रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है। इंटरनल त्राटक की ये सबसे खास बात है। अब होता क्या है, करना क्या होता है, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ के, इस पर भी एक डेमो वीडियो आपको दे देंगे। जब हम गेजिंग करना शुरू करते हैं, मैंने बताया एक मिनट के लिए हमने गेजिंग करनी है, वन मिनट, और चार मिनट का हमने आंखें बंद करके विद क्लोज्ड आईज, ठीक है, ये टोटल हो गया पाँच मिनट, टोटल हो गया पाँच मिनट। अब ये पाँच मिनट का जो एक राउंड है इसको रिपीट करना है बार बार, एक मिनट, क्योंकि शुरू में कुछ दिखाई देगा नहीं। और जो चार मिनट का भी अंदाज़ा लगाना है, शुरू में आप एक बारी घड़ी देख लीजिएगा बार बार, क्योंकि आंखें खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है। चार मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। तो शुरू में क्योंकि दिखाई देगा नहीं, जब हम खुली आँख से, नंगी आँखों से उसको देखेंगे, ये जो ज्योत है, और आगे ये भी आएगा कि ज्योत के किस पार्ट को देखना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का ये मामला है। और उसके बाद हम चार मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे तो शुरू में कुछ दिखाई देगा नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं पहले से बता रहा हूँ, उसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपने फिर से उसको देखना शुरू करना है खुली आँख से और फिर बंद आँख से। इस तरीके से आप बार बार जब करेंगे तो धीरे धीरे जो जो दिखाई देनी शुरू होगी। आज के लिए इतना ही, फिर इस टॉपिक पे हम लोग फिर से जुड़ेंगे और इस पे काम करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन मंगलमय है।